ये तो मेरे देवता मेरे भगवान है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भैया आप लोग कहाँ आए हैं? पानीपत हरियाणा से आए हैं। पानीपत हरियाणा से आए। एक महिला कैबिनेट मंत्री आह्वान किया था कि गंगा जी का अगर स्वच्छ नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी, उन्होंने ले ली क्या? चलिए दोस्तों, आज आपको दर्शन कराते हैं हर की पौड़ी के, और आने वाले यात्रियों से भी बातचीत करते हैं। भैया आप लोग कहाँ से आए हैं? पानीपत हरियाणा से आए हैं। पानीपत हरियाणा से आए। और जो कि हमारे साथ में पानीपत जो हरियाणा से आए हुए हैं बुद्ध पूर्णिमा में स्नान करने के लिए, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप, तो आप लोग हर साल आते हैं आप लोग? हर साल नहीं, हर पूर्णिमा, हर महीने पूर्णिमा के दिन हम यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। और जितने भी ज्यादा से ज्यादा अपने साथ मित्रगण हो जाए, कोई साधु संत हो जाए, श्रद्धालु हो जाए, बड़े हो जाए, सबको कोशिश हमारी रहती है कि सबसे पवित्र स्थान पर गंगा स्नान करा के सबको ले जाया जाए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो कि जुड़े हुए हैं हरियाणा से, और काफी भीड़ है आज हर की पौड़ी पर, जो कि बुद्ध पूर्णिमा है, काफी पवित्र दिन है। और चलिए आपको आगे भी ऐसे ही भक्तों से मिलाते हैं, और एक बार कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें, और चलिए आप लोग को आगे हर की पौड़ी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज हर की पौड़ी पर कितनी भीड़ है, और बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र दिन पर, और काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु घूमने के लिए आए हुए तो हैं ही, और साथ में आप लोग भी दर्शन कीजिए। और हमारे साथ में हैं कागा जी, आप लोग देख सकते हैं कागा जी निःशुल्क सेवा करते हैं भक्तों की, और ये मैट प्रोवाइड करते हैं आने वाले यात्रियों के लिए। और चलिए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं हर की पौड़ी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो कागा जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुभाष चंद्र गंगा, स्वच्छ क्रांतिकारी। ये आपने क्या लगाया हुआ है कागा जी? ये तो मेरे देवता है मेरे भगवान है, इनकी वजह से ही हम ये वो हैं, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी वजह से आजादी की सांस ले रहे हैं, वरना आज भी कोड़े खाते हुए होते, कोड़े खाते हुए। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काका जी ने हरिद्वार बैनर लगाया हुआ है, चंद्रशेखर आजादी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। काका जी आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, लोकल रहने वाला हूँ। मेरा इस लक्ष्य है कि वहां पे मेरी गंदगी ना हो, भक्त गंदगी छोड़ते हैं, मैं गंदगी को रोकता हूँ, इसीलिए पन्नी पैलोथीन का प्रयोग ना करो। सुप्रीम कोर्ट से भी पन्नी बैंड, राज्य सरकार से पन्नी बैंड, केंद्र सरकार से पन्नी बैंड, मैं पूछना चाहता हूँ किसके आदेश से रही है? जब देखो कितनी पन्नी, वो ट्राली भरी खड़ी है, ट्रालियों के हिसाब से पन्नी जाती है, आ कहां से रही है भाई ये? मैं तो कहता हूँ चार अभी गार्ड लगे बेचारे, ये 24 घंटे भागे फिरते हैं, तब तो कुछ गनीमत है गंगा जी पर, वरना इतना गंदगी का हाल हो जाता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता आदमी। मेरा लक्ष्य एक ही है, गंगा स्वच्छ हो, भारत स्वच्छ हो, भारत स्वस्थ हो और नशे का मुक्त हो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएं तो प्लीज वहां पर गंदगी ना फैलाएं, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जितना भारत हमारा साफ स्वस्थ रहेगा होगा कि नहीं, अरे बोल प्राणी, साफ पानी होगा कि नहीं। हमारी एक महिला कैबिनेट मंत्री ने एक आह्वान किया था कि गंगा जी का अगर स्वच्छ नहीं होगी तो मैं जल समाधि ले लूंगी, उन्होंने ले ली क्या? अरे इतना रुपया गंगा जी के नमामि गंगे के पास आता है, कहां जाता है? वो पूछना चाहता है गंगा स्वच्छ क्रांतिकारी, कहां जाता है रुपया? अभी तो कहता हूं अरे खाती पे तो खादी भारी है, और खादी पे गांधी भारी है, मेरे देश की सबसे बड़ी यही बीमारी है। जय हिंद, जय भारत।